हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी ए बी सी डी में। ये जो है आप देख रहे हैं सी जी पी एस सी ए बी सी डी का एक नया एक बैनर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि छत्तीसगढ़ समसामयिकी जो 2023 के लिए होगा वार्षिकांक, ठीक है, जिसमें 2022 का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसका मैं 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि वन लाइनर के फॉर्म में लाया हूँ, ठीक है। इससे आपको ये होगा कि रिविज़न जो है बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले जो मैं वीडियो लाया हूँ करंट अफेयर्स का, वो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से था ताकि आप एक क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा फैक्ट्स को आप रिवाइज कर पाए। लेकिन ये जो 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वन लाइनर लाने का मकसद ये है कि आप एक बार में देखें और उससे तुरंत झटके से याद कर लें, ठीक है ना। और ये जो 50 क्वेश्चंस है पूरे छत्तीसगढ़ के केवल करंट अफेयर्स है, भारत वाले के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं एक अलग वीडियो के अंदर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने इस 50 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं, आप खुद भी इसको ट्राई करेंगे। इसमें देखिए, इसमें ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको खुद याद करना है कि आपको याद है कि नहीं। अगर याद नहीं होगा तो फिर मैं जो आंसर दूंगा उससे आप अपना मैच करेंगे और देखेंगे कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने खुद ही तैयार किया है, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ये हिंदी में लिखाना चाहिए था, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश के सबसे बेहतर रहने योग्य शहर में रायपुर का स्थान कौन सा है, ठीक है ना। हमको बताना है कि रायपुर का स्थान कौन से नंबर पे आता है देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहर के अंदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप पहले खुद देंगे, इसके बाद देखेंगे। तो इसका जो सबसे मतलब जो रायपुर है छत्तीसगढ़ का एकमात्र ये है, ठीक है, जो कि ये 7वें नंबर पे आता है, ठीक है ना, ये 7वें नंबर पे आता है। इसमें क्या किया गया कि देश के कुल 111 जो शहर हैं वहाँ पर उनका सर्वे किया गया, लिविंग स्टैंडर्ड पर, प्रदूषण, स्वच्छता और बिजली पानी के मुद्दे पर उनका सर्वे किया गया। तो देखा गया कि जो छत्तीसगढ़ का रायपुर है वो 7वें नंबर पर आता है रहने योग्य शहर के अंदर, ठीक है ना। देखिए 2020 में ये क्या है, 2022 के रिपोर्ट के अनुसार है ना, लेकिन अगर 2020 में आपसे पूछे तो 2020 में जो रायपुर था उसका स्थान क्या था, 8वां था, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश के सभी राज्यों में लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, ठीक है ना। लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, इसका आंसर आपको शायद पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है प्रथम, जो छत्तीसगढ़ है उसका स्थान प्रथम है लघु वनोपज की खरीदी में। देश भर में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है प्रथम स्थान है। देश में जितना भी लघु वनोपज की खरीदी होती है उसका 74% मात्र केवल छत्तीसगढ़ ही खरीद लेता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो 13.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, 13.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, ठीक है ना। तेंदुपत्ता के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा कितना रुपया में खरीदी होता है, तो 4000 रुपया में, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरे की जो मूल्य है, कीमत है कितना, 4000 रुपया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक, ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक 2022 में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, हमको ये बताना है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 17वां, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्थान जो है ये 17वां है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 17वां। और अगर पहला पूछा जाए तो पहला स्थान जो है वो कर्नाटक का है, कर्नाटक इसमें फर्स्ट। और ये कह सकते हो कि जो छत्तीसगढ़ है ना वो सभी राज्यों में अंतिम है, जो कि 17वां है वो सभी राज्यों में अंतिम स्थान पर जो है आता है। भारत नवाचार सूचकांक 2022 में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 17वां स्थान है। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए, यूटी में पूछा जाए, तो पहला जो है उसमें हरियाणा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा दिए जाने वाला 22वां वसुंधरा सम्मान किसे प्रदान किया गया है, वसुंधरा सम्मान जो है किसे, 2022 के लिए जो वसुंधरा सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया, इसका याद रखिएगा। इसका नाम, ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि 22वां वसुंधरा सम्मान जो है श्री लीलाधर मंडलोई को दिया गया, श्री लीलाधर मंडलोई, ठीक है, श्री लीलाधर मंडलोई को 22वां वसुंधरा सम्मान प्रदान किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा
क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के तहत मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है ना। क्या कि 2022 में राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, इसमें कुल 60 लोगों को प्रदान किया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा, कुल 60 लोगों को प्रशिक्षक सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो इसके अंदर भी जो 56 शिक्षकों को तो ऐसे ही सामान्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, परंतु 4 ऐसे लोग थे जिन्हें किसी विशेष जो साहित्य की विभूतियां हैं उनके नाम पर आधारित पुरस्कारों को प्रदान किया गया 4 लोगों को। तो उसी में से एक है पंडित मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है वो श्री नेतराम नाथ तोड़े को दिया गया, श्री नेतराम नाक तोड़े, नेतराम नाक तोड़े को मुकुटधर पांडे पुरस्कार दिया गया, ये रायपुर के हैं, ठीक है ना। देखिए गजानंद माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार पूछे तो आपको याद रखना कि मीरा आरजी चौहान को दिया गया, इस ये पहले की वीडियो में ये सब मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। और वही बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार राकेश टंडन को दिया गया है। वहीं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार जो है वो हेमंत कुमार खूंटे को दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। उम्मीद है आपको ये पैटर्न जो है समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन को नहीं रखा हूँ क्योंकि ऑप्शन रहने पे तो एक बार एलिमिनेशन हो जाता है, परंतु ऐसे आपको कितना याद है वो देखते हैं और इसमें रिविजन भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि टोकन तुहर हाथ, ठीक है ना, टोकन तुहर हाथ इस मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, ठीक है। टोकन तुहर हाथ मोबाइल का इसका संबंध किससे है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है बनाने का कि जो पंजीकृत किसान है, ठीक है, धान विक्रय के लिए जो पंजीकृत किसान है, पंजीकृत किसान, ठीक है, वो इस ऐप के माध्यम से टोकन ले सकते हैं, ठीक है, टोकन प्राप्त कर सकते हैं 1 हफ्ता के अंदर, ताकि वो किसी भी जो विक्रय के लिए जो मंडी डिसाइड किया गया है या जो उपार्जन केंद्र स्थापित किया गया है वहाँ पे जाके अपनी जो फसल है, अपनी जो धान है, उसका विक्रय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पंजीकृत किसानों के लिए है जिसका उद्देश्य क्या है कि घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने के लिए, कौन प्राप्त करेगा, तो पंजीकृत किसानों के द्वारा। इसका निर्माण जो है NIC के द्वारा किया गया है, ठीक है, NIC के द्वारा किया गया और छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इसका संचालन होगा, ठीक है ना। तो ये इसका उद्देश्य ये था कि टोकन प्राप्त विक्रय करने के लिए जो धान है, ठीक है, धान के विक्रय करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे टोकन प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि रीड अलोंग, ठीक है, रीड अलोंग ऐप का शुभारंभ किस जिले से किया गया था, ठीक है ना, हमको ये बताना है। देखिए जो रीड अलोंग जो ऐप है इसका शुभारंभ सुकमा जिले से किया गया था, किस जिले से, सुकमा जिले से इस रीड अलोंग ऐप का शुरुआत किया गया था। इसका जो शुभारंभ करता थे वो सुकमा जिले के जिला कलेक्टर श्री हरीश एस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका सहयोग मतलब इसका जो उद्देश्य क्या है, देखिए इस एप्लीकेशन में एक दिया नाम की, ठीक है, दिया नाम की एक वॉइस असिस्टेंट है जो कि बच्चों को मित्र की तरह, दोस्त की तरह पढ़ने में सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना है कि दिया, ठीक है ना। इसमें 1000 से ज़्यादा कहानियाँ इसमें कई स्तर पर दिया गया है, जो कि ये एप्लीकेशन जो है जनरली 5 से लेके जो 11 वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी होगा, उनके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, जो कि पढ़ने में मदद करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो बताना है कौन सा, तो ये हमारा छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ जो है वही पहला राज्य है देश का जो गौमूत्र खरीदी करेगा, ठीक है ना। इसकी शुरुआत जो है गौमूत्र खरीदी के लिए वो हरेली पर्व के अवसर पे किया गया था, ठीक है ना, हरेली पर्व 2022 में। हरेली पर्व कब था, तो 28 जुलाई 2022 को, तो 28 जुलाई 2022 से गौमूत्र खरीदी करने के लिए शुरुआत किया गया और छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है, ठीक है। इसका जो स्थान कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो करसा ग्राम का जो गौठान है, ठीक है, करसा ग्राम गौठान, ये किस जिले में पड़ेगा भाई, तो ये पड़ेगा पाटन, मतलब करसा ग्राम गौठान पाटन दुर्ग जिला में पड़ेगा, ठीक है, दुर्ग जिला में पड़ेगा, तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे जो गौमूत्र है उसे 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदी जाएगी भाई, 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदी जाएगी। और देखिए अगर आपसे ये पूछ दे कि
सर्वाधिक गौमूत्र खरीदी करने वाला जिला कौन सा है, तो वो जांजगीर चांपा, सॉरी कबीरधाम है, ठीक है ना, मैं आप लिखता हूँ, सर्वाधिक गौमूत्र खरीद करने वाला जिला कौन सा है, कबीरधाम, ये लगभग 307 लीटर खरीदी किया था। वहीं दूसरे स्थान पर देखेंगे तो बालोद है, ठीक है, चलिए इतना ही करता हूँ क्योंकि ज़्यादा फैक्ट के बताने के चक्कर में वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोना खान 1857 ये नामक जो रचना है वो किस रचनाकार का है, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, उनका नाम है आशीष सिंह, आशीष सिंह जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। कुछ और भी अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, एक है जोहार गांधी, जोहार गांधी के जो लेखक है आमिर हाशमी, जोहार गांधी एक पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं आमिर हाशमी, ठीक है। वैसे ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बुक से इसको आप फॉलो कर सकते हैं कि ये जो ऑथर वाला जो रचना और रचनाकर्ता जो है वो आपसे देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे और भी देखेंगे तो एक है आईने छत्तीसगढ़, ठीक है, जो कि श्री शंकर पांडे के द्वारा लिखा गया। वहीं छत्तीसगढ़ की बासी एक और भी रचना है जिसे डॉक्टर दशरथ लाल निषाद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्यसभा में नामित दो नवीनतम सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है। दो, देखिए जैसे कि हमको पता है कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की कितने सीटें हैं भाई, तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 5 सीटें, ठीक है, 5 सीटें, और लोकसभा में कितनी, 11 सीटें। तो ये 5 सीटें जो थी उनमें से दो ऐसे सदस्य थे, छाया वर्मा और राम विचार नेताम, कौन कौन सा लिखता हूँ यहाँ पे, छाया वर्मा और एक थे राम विचार नेताम, ठीक है। इन दोनों का जो कार्यकाल है वो पूर्ण हो गया, अब इन दोनों की जगह दो नए की नियुक्ति की गया, दो नए लोगों का नामित किया गया, तो वो नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि दो नए लोग कौन है जिन्हें नामित किया गया। तो नाम याद रखिएगा, एक का नाम है राजीव शुक्ला, ठीक है, राजीव शुक्ला, और जो दूसरे हैं उनका नाम है श्रीमती रंजीत रंजन, ठीक है, श्रीमती रंजीत रंजन, ठीक, ये दोनों कांग्रेस के हैं, ठीक है ना, ये भी कांग्रेस के हैं और ये भी कांग्रेस के हैं। छत्तीसगढ़ में अभी अगर वर्तमान में देखेंगे तो मात्र एक ही ऐसी सदस्य हैं जो बीजेपी से रह गई हैं, जिनका नाम है सरोज पांडे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी CSPDCL के प्रमुख कौन है, मतलब CSPDCL के अभी नवीनतम प्रमुख कौन है, किनको इसका हेड बनाया गया है CSPDCL का, ठीक है। तो इसका आंसर है श्री मनोज खरे जी को CSPDCL का प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। वैसे ही अगर देखेंगे तो एक होता है छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा, ठीक है ना, रेरा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया है, विवेक ढांड को बनाया गया है, विवेक ढांड को बनाया गया है। एक और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य गौ आयोग इसका बनाया गया, डॉक्टर महंत राम सुंदर दास को बनाया गया है। और एक लास्ट अभी याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम इसके जो प्रमुख हैं वो याद रखिएगा, श्री गिरीश देवांगन, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारा है बट ये तीनों एटलीस्ट आपको याद रखना है। रेरा के है प्रमुख कौन है, विवेक ढांड, और जो छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के जो प्रमुख कौन है, गिरीश देवांगन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अभी जो SI का एग्जाम होने वाला है, मैं देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं 50 लेकर आया हूँ तो CGPSC की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, परंतु जो 29 तारीख को जो SI का एग्जाम देने वाला है, आने वाला है, उसके लिए इसको आप फटाफट एक बार रिवाइज करके चले जाएं। अगर एग्जाम में बैठेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से 1 से 2 मतलब करेंट अफेयर के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि SI में आपको पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में या फिर कूट वाला क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछने का, यहाँ पे डायरेक्ट आपको वन लाइनर ही पूछा जाएगा, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है, इसके जो कुलपति हैं वो हैं श्री RS कुरील, ठीक है, श्री आर एस कुरील, ठीक है,
श्री आर एस कुरिल को इस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, ठीक है ना। जैसे खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का कौन है, ममता चंद्राकर है, ठीक है ना। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के जो कुलपति है कौन है, श्री अशोक सिंह है, ठीक है ना। एक और याद रखिएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी जो कुलपति हैं वो है गिरीश चंदेल, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। गुरु घासीदास का तो आपको पता है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो कौन है, आलोक कुमार चक्रवाल हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुश्री लता खारपेड़ का संबंध किस विधा से है, ठीक है ना। सुश्री लता खारपेड़ का संबंध किस विधा से है, ठीक है। ये निधन वाले टॉपिक से है, निधन वाले भी जाकर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। तो जो ये लता खारपेड़ है, इनका संबंध लोक गायन विधा से है। किससे, लोक गायन, ठीक है, लोक गायन विधा से संबंधित हैं ये, ठीक है। ये बलौदा बाजार जिला के हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो चंदैनी गोंदा है, ठीक है, उसका जो संस्थापक कौन थे, रामचंद्र देशमुख थे। तो रामचंद्र देशमुख के साथ ये बचपन से ही उस जुड़े रहे, ठीक है, अपना करियर भी वहाँ बनाया, ठीक है। क्या चंदैनी गोंदा से जुड़ी हुई थी, चंदैनी गोंदा रामचंद्र देशमुख द्वारा ये स्थापित किया गया था, रामचंद्र देशमुख। तो ये जो सुश्री लता खारपेड़ है वो इससे भी जुड़ी हुई थी, ठीक है। यहीं से उन्होंने अपना करियर की शुरुआत किया था, ठीक है। इन्होंने कई सारी छत्तीसगढ़ी गीतों को भी गाया था इन्होंने, ठीक है। और गोदना सांस्कृतिक मंच से भी ये जुड़ी हुई थी, याद रखिएगा, गोदना सांस्कृतिक मंच। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि जो लता खारपेड़ थी वो गोदना सांस्कृतिक मंच और चंदैनी गोंदा, इन दोनों संस्थाओं से वो जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। चलिए, और इनका संबंध किससे है, लोक गायन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, हर मौसम में छंद लिखूंगा, ठीक है। और ये जो सुश्री लता खारपेड़ हैं, इनका 2022 में निधन हो गया था, ठीक है। हर मौसम में छंद लिखूंगा, ये रचना जो है किस रचनाकार है, इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इनके जो रचनाकार हैं वो पंडित दानेश्वर शर्मा है, ठीक है, पंडित दानेश्वर शर्मा। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। पंडित दानेश्वर शर्मा की निधन भी हो गया। और आपको पता ही होगा कि ये जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है उसके पूर्व अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग का पूर्व अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं। इनकी और रचनाएँ कई सारी हैं, जैसे तपत करूँ, फिर लोक दर्शन, गीत अगीत, ये सब किसका है, दानेश्वर शर्मा की रचनाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, याद रखिएगा, किसके अध्यक्ष जो हैं, श्री विद्याभूषण शुक्ल हैं, श्री विद्याभूषण शुक्ल, ठीक है, श्री विद्याभूषण शुक्ल जो हैं छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसका जो उपाध्यक्ष हैं श्री आलोक चंद्राकर हैं। और ये जो हैं ये बलौदा बाजार के हैं, ठीक है ना, ये बलौदा बाजार के हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, श्री विद्याभूषण शुक्ल, जो कि बलौदा बाजार के हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जंगल सफारी में जन्मे तीन शावकों का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। देखिए, जैसे आपको पता है कि जो जंगल सफारी है, नंदनवन जो जंगल सफारी नवा रायपुर के अंदर है, वहाँ पे एक शेरनी है, ठीक है, वहाँ पे एक शेरनी है। उस शेरनी का नाम क्या है भाई, कृति, ठीक है, शेरनी का नाम क्या है, कृति। ये कृति जो है वो तीन नए शावकों को जन्म दिया, कितने, तीन शावकों को इसने जन्म दी, ठीक है। तो उसमें तीनों का नाम रखा गया है। तो पहला का नाम रखा गया है आशा, ठीक है, दूसरे का नाम रखा गया है पैरी, और तीसरे का नाम रखा गया है शबरी, ठीक है। इन तीनों नामों को याद रखना है, आशा, पैरी और शबरी। जो इन शावकों की जो माँ है उसका नाम क्या है, कृति, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है, ठीक है ना। देखिए CMIE का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, क्या, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये जो संस्था है वो एक रिपोर्ट जारी किया, ठीक है, 2022 में, सितंबर 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया गया
जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है वो बताना है। तो यह संस्था जो है जब रिपोर्ट जारी किया तो ये बताया कि छत्तीसगढ़ में मात्र 0.1% की बेरोजगारी है। और मुझे पता नहीं, ये नहीं समझ में आता कि इतना ही कैसे है, ठीक है ना। कितना है? 0.1%, मतलब कहने का कि 99.9, ठीक है, 99.99%, इतने लोग ऐसे हैं जो कि रोजगार इनको है, किसी न किसी क्षेत्र से किसी न किसी तरीके से अपना रोजगार हासिल कर चुके हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो बेरोजगारी दर कितना है? 0.1% की मात्र बेरोजगारी दर है, ठीक है ना। इसका कारण ये दिया गया कि राज्य की जो नीतियों का क्रियान्वयन ऐसा किया गया कि मात्र छत्तीसगढ़ के अंदर 0.1% की ही बेरोजगारी दर रह गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना। रेलवे द्वारा सबसे बड़ा सोलर प्लांट का स्थापना छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किया जा रहा है, ठीक है। तो भिलाई चरौदा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ भिलाई, ठीक है, मैं भिलाई लिख देता हूँ, भिलाई दुर्ग में, दुर्ग जिला में इसका स्थापना किया जा रहा है, ठीक है, जिसकी जो उत्पादन क्षमता होगी 50 मेगावाट होगी, जो कि 50 मेगावाट बिजली की क्षमता का उत्पादन कर पाएगा, ठीक है। इसका लक्ष्य ये है कि ग्रीन एनर्जी की ओर प्रदेश को बढ़ाना है, जो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसको ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह क्या है? छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह क्या है, हमको ये बताना, ठीक है। तो आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी इसका आंसर साथ साथ अगर याद होगा तो आप देते चलेंगे, ठीक है ना, और चेक करते चलेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का जो प्रतीक चिन्ह है वो है चेंदरू द टाइगर बॉय, लिखता हूँ यहाँ पे मैं, चेंदरू द टाइगर बॉय। साथ ही साथ उसमें एक जो शेर है, शेर भी बना हुआ है सिंबल के रूप में, तो उसका नाम है टेम्बू टाइगर, टेम्बू टाइगर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें चेंदरू द टाइगर बॉय है एक, और एक टेम्बू टाइगर, ये दोनों उसमें बना हुआ है। आप इसको नेट में जाके सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। इसका जो विभाग है कौन, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा ये इसको एक्सेप्ट किया गया है, इस प्रतीक चिन्ह को, ठीक है ना। देखिए जो ये चेंदरू द टाइगर बॉय है ना, इसको मतलब इसका पूरा नाम चेंदरू मंडावी है, इसको छत्तीसगढ़ का मोगली भी कहा जाता है, चेंदरू मंडावी, जो कि बस्तर क्षेत्र में, ये बस्तर संभाग के अंदर है, नारायणपुर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है ना, उधर, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले एक मूवी भी, हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई थी, ठीक है ना। तो चलिए बाकी मैं वीडियो को लेंदी नहीं करता हूँ, ये बस याद रखिए कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, चेंदरू द टाइगर बॉय और टेम्बू टाइगर, ये दोनों का एक सम्मिलित रूप से आकृति बनाया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि छत्तीसगढ़ के गौठानों में उत्पादित जैविक पदार्थों का क्या नाम रखा गया है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के गौठानों में जो उत्पादित, मतलब छत्तीसगढ़ के गौठानों के अंदर जितना भी पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है उसका नाम क्या रखा जा रहा है, हमको ये बताना है। तो उन सभी उत्पादित पदार्थों को अर्थ नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, अर्थ, ठीक है, इसी नाम से ही उनका उत्पादन किया जा रहा है, अर्थ, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली याद रखिएगा कि जो जांजगीर चांपा का जो गौठान है, विशेष करके जो जांजगीर चांपा का जो गौठान है वहाँ पे जो गौमूत्र खरीदा जा रहा है उससे कीटनाशक बनाया जा रहा है, दो तरह का उसका नाम दिया गया, एक का नाम दिया गया है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, और जो दूसरा है उसका नाम रखा गया सहस्त्र, ब्रह्मास्त्र और सहस्त्र, ये दोनों क्या है, ये दोनों कीटनाशक हैं जो कि किससे बनाया जा रहा है, गौमूत्र के द्वारा बनाया गया, और इससे जीवामृत के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, जीवामृत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के अनुसार बोई जाने वाली तीन क्रमागत फसल कौन कौन से हैं, हमको ये बताना है। देखिए छत्तीसगढ़ में उत्पादन के हिसाब से नहीं बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कि कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा बोई जाती है, फिर उससे कम बोई जाती है, इस टाइप का हमको ये बताना है कि सबसे अधिक बोई जाने वाली तीन क्रमागत फसलें कौन कौन सा है वो बताना है, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है ना, वो बताना है, ठीक है। उम्मीद है आपको याद हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में पूछा ही जा सकता है इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से, ठीक है ना। देखिए अगर आपसे क्षेत्रफल के अनुसार पूछ दिया जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो धान होता है, ठीक है, क्या, धान, धान के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद मक्का,
ठीक है, ये तीन, क्योंकि क्वेश्चन में तीन ही पूछा गया। वैसे आगे आप भी और भी याद रखना है तो याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बोई जाने वाली तीन फसलें तो धान, गेहूं और मक्का है, परंतु इसके बाद अगर देखेंगे तो कोदो कुटकी, उसके बाद छोटे जो अनाज होते हैं, छोटे अनाज के बाद ज्वार, जौ, ठीक है, ज्वार और जौ सबसे कम, ठीक है, इतना याद रखेंगे, धान, गेहूं, मक्का, इसके बाद कोदो कुटकी, फिर छोटे अनाज, ज्वार, इसके बाद लास्ट में जौ। ये किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के नाम हिसाब से। अगर आपको पूछ दे कि उत्पादन का क्रम बताइए, तो उत्पादन का क्रम अगर देखना है तो धान, मक्का, गेहूं, देखिए ये मक्का तो जो तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ जाएगा, सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है, उसके बाद मक्का आ जाता है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आ जाता है गेहूँ, ठीक है ना। इसके बाद बाकी इधर वाला पूरा सेम हो जाता है, क्या क्या, कोदो कुटकी, छोटे अनाज, ज्वार और जौ, ये बाकी का आगे का जो सीक्वेंस है वो सेम है, ठीक है। तो ये तीन एटलीस्ट याद रखेंगे। इस प्रकार अगर देखेंगे तो धान का जो उत्पादन भी अधिक है और धान का बुआई भी सबसे अधिक क्षेत्र में किया जाता है, मतलब जो छत्तीसगढ़ का है उसका प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? धान। छत्तीसगढ़ का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? धान, याद रखना है आपको, ठीक है, और ये सीक्वेंस को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिले घोषित किया जा चुका है, ठीक है ना, कितने जिलों को अभी तक पूर्ण जैविक जिला घोषित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये वर्तमान में भी पांच ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ का जिन्हें जैविक जिला घोषित किया जा चुका है। जैसे अगर बस्तर संभाग में अगर जाए, ठीक है, बस्तर संभाग, तो उसमें बीजापुर के बाद नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ठीक है, सुकमा और दंतेवाड़ा, आई थिंक पहला जिला था जो कि जैविक जिला घोषित किया गया था। रायपुर के अंदर एक जिला, रायपुर संभाग में एक जिला देखिएगा, ठीक है, रायपुर संभाग का एक जिला जो है गरियाबंद, ठीक है। तो ये पांच ऐसे जिले हैं जिनको जैविक जिला घोषित किया जा चुका है, ठीक है, बस्तर के चार और रायपुर संभाग का एक गरियाबंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तेईस है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितनी कृषि उपज मंडियाँ हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मैं देखा हूँ, फेस किया हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कुल कृषि उपज मंडियों की बात करें तो 69 याद रखिएगा, ठीक है, 69 कुल कृषि उपज मंडी हैं, ठीक है, कृषि उपज मंडियों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उप मंडी आपसे पूछ दे कि कुल कितनी कृषि उपज उप मंडियाँ हैं, ठीक है, उप मंडियाँ, अगर आपसे उप मंडियाँ पूछ दे तो याद रखिएगा ये है 118, ठीक है ना, उप मंडियाँ कितनी? 118। अगर कुल उपज मंडी पूछते तो कितना? वो 69.69 है, ठीक है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में, देखिए भारत जो भारत सरकार है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार के रूप में देश की कुल 585 कृषि उपज मंडी को सेलेक्ट किया है, ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा कि जो भारत सरकार है, भारत केंद्र सरकार, वो राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित करने के लिए कुल देश के 585 उपज मंडियों का क्या बोलते हैं चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 उपज मंडियों को चयनित किया गया है, जिसके प्रथम चरण में 5 मंडियों को कृषि बाजार के रूप में स्थापित किया जाएगा और दूसरे चरण में 9 को, इस प्रकार 9, 5, 14, ठीक है ना, इतना याद रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उद्यानिकी फसलों का उत्पादन और रकबा का क्रम के अनुसार तीन फसलें कौन कौन से हैं, हमको बताना है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का क्रम क्या है, ठीक है, किस क्रम में भाई उत्पादन की, कौन सा उत्पादन के क्रम में तीन फसल बताना है कि कौन अधिक, फिर उससे कम, और साथ साथ रकबा में, मतलब कितना क्षेत्र में वो बोया जाता है, कितना हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है, इसके क्रम में। तो इसके लिए जो दोनों का क्रम है ना वो बिल्कुल सेम है, चाहे आपको उद्यानिकी फसल का उत्पादन पूछ दे या फिर रकबा का क्रम पूछ दे, उस सारे का सेम ही सीक्वेंस है। तो मैं सीक्वेंस को यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा, सबसे अधिक जो है सब्जी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है और रकबा भी सबसे अधिक ही है, इसका बुवाई भी सबसे अधिक में किया जाता है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? उद्यानिकी फसल की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे अधिक सब्जी के बाद फल के बाद मसाला के बाद पुष्प और सबसे अंत में औषधि, ठीक है, औषधि या फिर कह लेते हैं सुगंधित फसलें, ठीक है, ये दोनों क्रम में, ठीक है, दोनों के अनुसार, उत्पादन के अनुसार भी और रकबा के अनुसार, दोनों के हिसाब से यही है, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि और सुगंधित, ये सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट का आदर्श वाक्य क्या है, ये बताना है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट का आदर्श वाक्य क्या है ये बताइए, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है उसका नाम है गो मैं वसते लक्ष्मी, गो मैं वसते लक्ष्मी, ठीक है, गो मैं वसते लक्ष्मी। इसका अर्थ होता है कि गोबर में ही देवी लक्ष्मी का वास है, ठीक है ना, गोबर में ही देवी लक्ष्मी का वास है। देखिए इस बार जो बजट के लिए जो ब्रीफकेस तैयार किया गया था ना वो गोबर से निर्मित था, ठीक है, गोबर निर्मित ब्रीफकेस का तैयार किया गया था जिसमें जिससे बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। इस बार का जो बजट था देश का 22वां बजट था, ठीक है, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया, 26 की ओर हम बढ़ते हैं कि देखते हैं 26 क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है कि छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के अनुसार राशि का सर्वाधिक आवंटन किस विभाग के लिए किया गया है। देखिए जब बजट प्रस्तुत होता है तो सभी विभागों को कुछ राशियों का आवंटन किया जाता है, ठीक है, कि इस विभाग में इतना राशि दिया जाएगा इसमें, तो 2022-23 के बजट में किस राशि किस वाले विभाग में सर्वाधिक आवंटन किया गया, तो याद रखिएगा एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। जो स्कूल शिक्षा, ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग, इसको सबसे अधिक राशि का आवंटन किया गया था, तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, स्कूल शिक्षा। इसमें लगभग 16,522 करोड़ रुपए का राशि आवंटित किया गया था पहले नंबर पर, क्या, स्कूली शिक्षा। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो यह है कृषि, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र में दूसरे नंबर पर राशि का आवंटन किया गया था, कृषि क्षेत्र में लगभग 9,272, ठीक है, मैं आप एक बार लिख देता हूँ, ये करोड़ में है ना, 16,522 करोड़ रुपया किसमें, स्कूली शिक्षा में। कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो 9,272 करोड़ रुपया। तीसरे नंबर पर भी एक बार देख लेते हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, इस विभाग के लिए तीसरे नंबर पर राशि का सर्वाधिक आवंटन किया गया था जो कि है 8,830 करोड़ रुपया, 8,830 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, ठीक है ना। सबसे कम अगर देखेंगे तो जल संसाधन में, ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूँ कि सबसे कम जल संसाधन में, ठीक है, जल संसाधन में लगभग 3,323 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि छत्तीसगढ़ में एकीकृत पैकिंग हाउस का स्थापना किस जिले में किया गया है। छत्तीसगढ़ में एकीकृत पैकिंग हाउस का स्थापना किस जिले में किया गया, हमको वो बताना है, ठीक है। उम्मीद है आपका इसका आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है दुर्ग जिला, ठीक है, दुर्ग जिले में एकीकृत या फिर इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउस का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि कृषि और उद्यानिकी उत्पादों को सुरक्षित एवं सुरक्षित भंडारण करना, ठीक है ना। क्या एकीकृत पैकिंग हाउस है उसका निर्माण किस जिले में, दुर्ग जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि कृषि और उद्यानिकी जो उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रूप से भंडारण किया जा सकता है, ठीक है। उनको धोने, छांटने, ग्रेडिंग और पैकिंग करने के लिए एक आधुनिक मशीनों का सेटअप तैयार किया जाएगा जिससे ये पैकिंग किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजयी उम्मीदवार कौन है। देखिए जैसे कि हमको पता है कि दो जिलों में क्या किया गया, विधानसभा का उपचुनाव का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर, एक खैरागढ़ के अंदर और जो दूसरा है वो भानुप्रतापपुर, ठीक है, कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में। फिर से क्या बोलते हैं, ये खैरागढ़ जिला, ठीक है ना, और दूसरा कांकेर के भानुप्रताप क्षेत्र में, ठीक है, दो जगह उपचुनाव का आयोजन किया गया। तो जब खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो यहाँ पे जो विजेता थी उनका नाम था यशोदा वर्मा, यशोदा वर्मा, ठीक है, यशोदा वर्मा, ये कांग्रेस की है, ठीक है। वहीं जब भानुप्रतापपुर में उपचुनाव हुआ तो इसके विजेता जो थे श्रीमती सावित्री मंडावी, ठीक है, श्रीमती सावित्री मंडावी ये विजयी रही, ये भी कांग्रेस के ही हैं, ठीक है ना, ये भी कांग्रेस के ही हैं, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, खैरागढ़ में कौन, यशोदा वर्मा, और भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन, सावित्री मंडावी,
ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 2022 धनवंतरी सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया था 2022 का। जैसे कि हमको पता है कि प्रत्येक वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अलंकरण सम्मान भी दिया जाता है, ठीक है, तो 2022 में जो धनवंतरी सम्मान जो है वो किस व्यक्ति को दिया गया था हमको वो बताना है, ठीक है, धनवंतरी सम्मान किस व्यक्ति को। तो ये जो सम्मान है आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और शोध एवं अनुसंधान के लिए दिया जाता है, आयुर्वेद के क्षेत्र में, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाता है, और ये दिया गया था डॉक्टर मनोज चौकसे को, मनोज चौकसे को, ठीक है ना, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए कि धनवंतरी मतलब चिकित्सा, मतलब इसमें धन याद रखिएगा, धन, अगर धन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आदमी चौक जाता है, तो याद रखिएगा धनवंतरी सम्मान किसको दिया गया था, मनोज चौकसे को। एक और याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, जैसे लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, ये साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे लाला जगदलपुरी सम्मान, ठीक है, ये दिया गया था श्री जीवन यदु को, जीवन यदु को, ठीक है। ये जो है क्या बोलते हैं अलंकरण और सम्मान वाला ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप इसका जितना भी, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से भी एमसीक्यू को अगर कर लेंगे तो आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, धनवंतरी वाला मनोज चौक से। ये तीसवां देखिए, तीसवां क्या, 2022 का श्रीमती बिलासा बाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार किसको दिया गया था, ये भी राज्य अलंकरण में आता है, तो ये किसे दिया गया था वो बताना है। तो ये जो है मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है, मत्स्य विभाग के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया श्री रूपचंद्र धीवर को दिया गया था, श्री रूपचंद्र धीवर, ठीक है ना, श्री रूपचंद्र धीवर को ये बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभियान है जिसका नाम है आज़ादी से अंत्योदय तक, ठीक है, आज़ादी से अंत्योदय तक में चयनित स्वतंत्रता सेनानी कंगलू, ठीक है, कंगलू कुम्हार का गृह जिला कौन सा है वो बताना है। देखिए क्या है ये कि केंद्र सरकार जो है भारत सरकार आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, क्योंकि 75 वर्ष हमारे आज़ादी को कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए क्या कर रहा है कि एक योजना चलाया जा रहा है, ठीक है, क्या चलाया जा रहा है, एक योजना चलाया जा रहा है, उस योजना का नाम क्या है कि आज़ादी से अंत्योदय तक एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है कि मतलब देश के जो 75 जिले हैं उनमें से 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल का चयन किया जा रहा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के भी 3 जिलों का चयन किया गया है, ठीक है, तो उसी में से एक जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम है कंगलू कुम्हार, ठीक है, ये कंगलू कुम्हार का जिला मतलब इनका गृह जिला कौन सा है ये बताना है। तो याद रखिएगा ये कांकेर जिला के हैं, कांकेर जिला, ठीक है, कांकेर जिला में अगर उनका गृह ग्राम भी अगर याद रखना है तो रख सकते हैं गोटुल मुंडा, ठीक है, तो एक चुने गए कौन सा, कंगलू कुम्हार, कहाँ के हैं, गोटुल मुंडा ग्राम कहाँ के, कांकेर जिला का। और एक तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह तो आप जानते ही हैं, ये राजनंदगांव के हैं, राजनंदगांव में उनका जो ग्राम है उसका नाम है दहान ग्राम, ठीक है, और दूसरा है बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, ये कि कंडेल ग्राम के हैं, आपको पता होगा धमतरी के अंदर, तो इन तीनों का नाम याद रखना है, एक कंगलू कुम्हार हो गया, दूसरे हो गए ठाकुर प्यारे लाल, ये कहाँ के, राजनंदगांव के, कौन सा ग्राम, दहान ग्राम, और तीसरे हो गए छोटे लाल श्रीवास्तव, ये धमतरी जिले के, कौन सा ग्राम, कंडेल ग्राम, ठीक है, हिस्ट्री में तो ये दोनों मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम पक्षी सर्वेक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, हमको बताना है। देखिए पूरे देश भर में क्या हुआ कि बर्ड एक सर्वेक्षणकर्ता एक संस्था है जिसका नाम है बर्ड काउंट इंडिया, इसने क्या किया, पूरे देश में सर्वेक्षण कर रहा है पक्षियों का, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी पहली बार पक्षियों का सर्वेक्षण किया गया, तो किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किया गया, हमको बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखिएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ के अंदर पहला पक्षी सर्वेक्षण, ठीक है ना। देखिए कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी जो महानिदेशक है अभी वो धर्मशील गणवीर है, ठीक है, धर्मशील गणवीर, हालांकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कम ही चांस है आने का, बस ये याद रखिएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में पक्षी सर्वेक्षण किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि क्रेडा, ठीक है, क्रेडा द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रथम शिक्षा पार्क का स्थापना किस जिले में किया जा रहा है, क्रेडा के द्वारा,
ठीक है। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास, क्रेडा का अगर देखेंगे, इसका हिंदी नाम है छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास, अक्षय ऊर्जा विकास, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का किस जिले में एक शिक्षा पार्क का स्थापना किया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि ये दुर्ग जिला में, ठीक है, दुर्ग जिला में स्थापना किया जा रहा है। दुर्ग जिला का अगर स्थान देखेंगे तो नाम याद रखिएगा पंदर दैमार, ठीक है, पंदर दैमार का पाटन विकास खंड में, ठीक है ना, पाटन विकास खंड में अर्थात दुर्ग जिला के अंदर ही ये प्रथम शिक्षा पार्क का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल प्लांट का स्थापना कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है। तो जैसे हमको पता है कि भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाना, भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाना कहाँ है, ये कबीरधाम जिला में, ठीक है। तो इसी सहकारी कारखाना में, भोरमदेव में ही, भोरमदेव जो स्थान है कबीरधाम में, वहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल प्लांट का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 35वां, छत्तीसगढ़ में किस गारमेंट फैक्ट्री ने 11,000 मीटर लंबी चुनरी की चुनरी का निर्माण किया है, ठीक है ना, चुनरी का निर्माण किया कितना 11,000 मीटर लंबी, ठीक है। आप कुछ दिन, कुछ समय पहले का अगर आप करेंट अफेयर अपना अपडेट करके रखें तो आपने सुना होगा कि डेनेक्स नाम का एक फैक्ट्री का स्थापना किया गया था, क्या डेनेक्स, कहाँ, दंतेवाड़ा जिला के अंदर। इसका फुल फॉर्म ही क्या है, दंतेवाड़ा नेक्स्ट, दंतेवाड़ा नेक्स्ट, इसी को काट के क्या बनाया गया है, डेनेक्स बनाया गया, ठीक है ना। एक गारमेंट, कपड़े की एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री ने ही क्या किया है ये जो फैक्ट्री है ना डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री, ये 300 महिलाओं के द्वारा इसकी स्थापना किया गया, इसमें 300 महिला इसमें जो कर्मचारी हैं जो इसको संभालते हैं, ठीक है ना। ये जो फैक्ट्री है 11,000 मीटर लंबी चुनरी का निर्माण किया था, जो कि माता दंतेश्वरी जो है दंतेवाड़ा में ना उनको समर्पित है, माँ दंतेश्वरी को समर्पित है, ठीक है ना, याद रखना। तो डेनेक्स फैक्ट्री के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है ना, हमको ये बताना है छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक रिसाइकलिंग पार्क का स्थापना कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर क्या है, तो ये बुरुंगवाड़ा, अगर गांव का नाम आपसे पूछ दे तो ये बुरुंगवाड़ा, और आगे अगर जाना है तो बाबू सेमरा, ठीक है, जगदलपुर के आसपास का एक जगह है बुरुंगवाड़ा, बाबू सेमरा, जगदलपुर भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जिला अगर पूछ दे तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये बस्तर जिला में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक रिसाइकलिंग पार्क कहाँ है, बुरुंगवाड़ा, बाबू सेमरा, जगदलपुर, बस्तर, ये इसके अगर आगे चले जाएंगे तो ये जिला के अंदर ये फिर ये, तो ठीक है, आप इसमें से कुछ भी आप अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे छोटे प्रजाति का हिरण छत्तीसगढ़ के किस जिले से मिला है। इसका सही आंसर क्या है भाई, इसका जो सही आंसर है वो दंतेवाड़ा जिला, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में जो बैलाडीला की पहाड़ी है, ठीक है, दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी पर ये विश्व की सबसे छोटे प्रजाति का हिरण मिला है, जिसको कहते हैं इंडियन माउस डियर, इंडियन माउस डियर, ठीक है, ये कहाँ मिला है, दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी क्षेत्र में। इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो मौसियोला इंडिका है, लिख देता हूँ, पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आजकल, मौसियोला इंडिका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मिलेट्स कैफे का कहाँ स्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ का प्रथम मिलेट्स कैफे कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर है रायगढ़ में, रायगढ़ में छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे का स्थापना किया गया। लेकिन वहीं आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा मिलेट्स प्रसंस्करण उद्योग कहाँ खोला गया, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देश का लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेट्स कैफे पूछे तो रायगढ़ में, लेकिन अगर पूछते कि देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्रसंस्करण उद्योग, मिलेट्स प्रसंस्करण उद्योग ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप याद रखिएगा नथिया नवा कांकेर जिला में, नथिया नवा गांव, कौन सा जिला, कांकेर जिला, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, छत्तीसगढ़ हरित परिषद का अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना, छत्तीसगढ़ हरित परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो छत्तीसगढ़ ये सब क्या है, एक नई संस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो हरित परिषद जो काउंसिल है, छत्तीसगढ़ ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर ग्रीन काउंसिल है, इसका अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री अभी कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है। तो भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ हरित परिषद का अध्यक्ष है, ठीक है। 40वां क्या है कि छत्तीसगढ़ गोधन न्याय मिशन, ठीक है, एक नया मिशन ये भी बनाया गया, एक नई संस्था बनाया गया, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो कृषि मंत्री होता है, राज्य का कृषि मंत्री वो होता है, और राज्य के कृषि मंत्री कौन है भाई? अभी रविंद्र चौबे, ठीक है, रविंद्र चौबे, ठीक है। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन हो गया, कितना आपका 40 में सही हुआ है आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में फसल कटाई श्रेणी में किस नृत्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है ना, देखिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है नवंबर 2022 में हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें अलग अलग श्रेणी में नृत्य का प्रावधान किया गया था। तो एक है फसल कटाई नृत्य में, ठीक है, तो फसल कटाई नृत्य में प्रथम स्थान किसको मिला था, कौन से नृत्य को मिला था? तो इसका जो आंसर है वो है कर्मा नृत्य, ठीक है ना, जो कर्मा नृत्य है उसको फसल कटाई के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और कर्मा नृत्य कहाँ का है भाई? आपको पता ही होगा, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो कर्मा नृत्य है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ था। दूसरा देखेंगे तो ढेंगसा नृत्य उड़ीसा का, और तीसरा जो है गद्दी हिमाचल प्रदेश का। तीन चीज़ याद रखना है, कर्मा नृत्य को पहला, दूसरा है ढेंगसा, ढेंगसा, ठीक है, ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। और तीसरा जो है गद्दी, ठीक है, गद्दी कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। 42वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में विवाह संस्कार के लिए, ठीक है, ये जो था फसल कटाई श्रेणी में और विवाह श्रेणी में, विवाह संस्कार श्रेणी में किस नृत्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम का एक नृत्य है, ठीक है, सिक्किम का एक नृत्य है जिसका नाम है तमांग सेलो, तमांग सेलो, इस नृत्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, फर्स्ट प्राप्त हुआ था। सेकंड देखोगे तो एक घुड़सा नृत्य है, ठीक है, ये था ढेंगसा, ठीक है, और दूसरा है घुड़सा, ठीक है, ये विवाह श्रेणी में, ठीक है, ये भी कहाँ का है? ये ओडिशा का ही है, ये दूसरा स्थान, ठीक है, ये दूसरा। तीसरा स्थान जो मिला था झारखंड का डमकच नृत्य को, ठीक है, डमकच, ये कहाँ का है? झारखंड, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कुदरगढ़ महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप सूरजपुर जिले के होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर दूसरे जिले के हैं तो याद करना पड़ सकता है। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कुदरगढ़ महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। ये कुदरगढ़ महोत्सव जो है ये इसको बागेश्वरी धाम के नाम से भी जाना जाता है, बागेश्वरी धाम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें बागेश्वरी माता की मंदिर है, और ये जो है सीता लेखनी पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है। सीता लेखनी पहाड़ी के बारे में तो एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, सीता लेखनी पहाड़ी पर स्थित ये बागेश्वरी धाम में ही, ठीक है, बागेश्वरी धाम है जहाँ पे कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये पहली बार आयोजन किया गया था, ठीक है ना, ये 3 दिवसीय आयोजन था पहली बार, तरह तरह का यहाँ पे खेल, कबड्डी, खो खो का आयोजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राजीव युवा मितान क्लब योजना का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, तो इस योजना का आरंभ हुआ था 3 फरवरी 2022 को, ठीक है ना, 3 फरवरी 2022 को राजीव युवा मितान क्लब योजना का आरंभ हुआ था। एक और योजना का नाम याद रखिए, कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो महिला दिवस होता है उस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, 8 मार्च 2022 को इस योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता था? ठीक है ना, जो राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया गया था, पता है कि आकर्षी कश्यप जो है बैडमिंटन, छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये गोल्ड मेडल जीती थी, ठीक है। तो ये जो जीती थी वो महाराष्ट्र की जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है, मालविका बंसोड़, मालविका बंसोड़, मालविका बंसोड़ को ही हराकर ये आकर्षी कश्यप ने गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है
कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट 2022, ठीक है, का विजेता कौन था। ठीक है, जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट है इसका शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर के अंदर हुआ था आयोजन, ठीक है ना। देखिए इसमें फाइनल में दो टीम पहुंचा था, एक इंडिया लीजेंड और दूसरा जो था वो श्रीलंका था, ठीक है, श्रीलंका। इन दोनों के बीच में फाइनल मैच हुआ जिसमें विजेता जो था कौन था, इंडिया, ठीक है, इंडिया लीजेंड जो था वो यहाँ पे विजेता, ठीक है, विजेता कौन था भाई, इंडिया लीजेंड या फिर भारत जो है इस टूर्नामेंट का विजेता था। अगर आपसे पूछ दे कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, तो मैन ऑफ द मैच मिला था नमन ओझा को, नमन ओझा को मैन ऑफ द मैच, ठीक है, मैन ऑफ द मैच मिला था। अगर आपसे पूछ दे कि मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था, तो तिलक रत्ने दिलशान को, ये श्रीलंका के खिलाड़ी है, ठीक है, तिलक रत्ने दिलशान, ठीक है, तिलक रत्न दिनशान को क्या मिला था, मैन ऑफ द सीरीज मिला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता द जंगल रंबल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ में कहाँ, रायपुर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक स्टेडियम है, याद रखिएगा, सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम, ठीक है, सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम, ठीक है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु ग्रेड ए धान, नहीं धान, ठीक है, ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य कितना यहाँ पे डिसाइड किया गया था, कितना है, ठीक है, मतलब 2022 का जो विपणन वर्ष है, खरीफ विपणन वर्ष, उसमें ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य कितना है, हमको ये बताना, याद रखिएगा जो ग्रेड ए है उसका समर्थन है 2060 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है ना, ये किसका है, ग्रेड ए का, लेकिन सामान्य धान जो है, ठीक है, सामान्य धान उसका जो है 2040 रुपया प्रति क्विंटल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, वजन त्यौहार 2022 के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितना है, ठीक है, देखिए अगस्त के महीने में ये कुपोषण वजन त्यौहार मनाया जाता है लगभग अगस्त में, ठीक है, तो उस समय जब वजन त्यौहार मनाया गया तो छत्तीसगढ़ में कुल कितना कुपोषण दर था, हमको वो बताना है, तो छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण दर था वो 17.76% था, ठीक है, कितना, 17.76% कुपोषण दर था, ठीक है। देखिए जो कुपोषण दर को कम करने के लिए ना, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है उसके द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया गया था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किया गया था, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 2019 से, कितना है सुपोषण, कुपोषण की दर क्या है, 17.76% है। चलिए 50वां और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी है, ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट जो बनी है उनका नाम है वंशिका पांडे, ठीक है, क्या, वंशिका पांडे, और ये कहाँ की हैं भाई, ये राजनांदगांव की हैं, राजनांदगांव की, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आज का टोटल 50 क्वेश्चन था, कैसा लगा, क्या इसका सेकंड सीरीज लाया जाए, क्या ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं 50 और क्वेश्चन जो लेके आऊँगा जो कि इंडियन करेंट अफेयर्स का होगा, ठीक है, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन इसी की तरह लेके आएंगे। क्या ऑप्शन वाला आपके लिए सही था या फिर डायरेक्ट ये वाला, मुझे तो लगता है दोनों अपने अपने जगह पे सही है, ऑप्शंस मैं इसलिए लेकर आता था ताकि उसमें बाकी ऑप्शंस को भी हम रिलेट करके बाकी चीज़ों को याद करते थे, परंतु इसका जो लाने का मकसद ये है, किसी ने कमेंट भी किया था कि वन लाइनर को लेकर आया, तो मैं यहाँ पे वन लाइनर लेके आया हूँ ताकि डायरेक्ट जो है ये फैक्ट जो है रिवाइज़ फटाफट, आप ये 50 क्वेश्चन को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य ही करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें क्योंकि समय जो है बहुत ही कम रह गया है, ठीक है ना, तो आप अपना रिवीजन को कंटिन्यू रखें, मॉक टेस्ट अभी जितना ज़्यादा लगा सकते हैं लगाएं, ठीक है ना, ताकि आपको वहाँ से अपना डाउट खुद ही समझ में आ गए क्या गलती आप कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जिसका अभी SI का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, उनके लिए तो ये जो वीडियो है 50 क्वेश्चन का, ये रिविजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।